दोस्तों खूबसूरत स्किन पाने के लिए, लंबे घने मजबूत बाल पाने के लिए और अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ब्यूटीफाई रखने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। लेकिन जितने भी हम प्रयास कर रहे हैं इनमें या तो हम बाहर से कुछ चीज़ें लगा रहे हैं या फिर बहुत सारी न्यूट्रिशन चीज़ों को हम खा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो चीज़ें आप खा रहे हो अगर वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना हो हमारे शरीर में और उनमें बनने वाले जो टॉक्सिन्स हैं जब वो हमारे शरीर से बाहर ना निकलें तो हमारे ये सारे किए हुए प्रयास जो है वो नाकाफी हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। और ऐसा होने के लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार हमारे शरीर का ऑर्गन है वो है हमारा लिवर। हमारे घर में जिस तरह से हम बहुत अच्छी अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चीजें लेकर आते हैं लेकिन साथ के साथ वो सारी चीजें जो कि यूजलेस हैं, जिनका कोई घर में काम नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है, उन्हें बाहर फेंक देते हैं, उन्हें किसी को गिफ्ट कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं ताकि जो हमारा घर है वो साफ सुथरा रह सके, हम वहां पर बहुत ईजीली जो भी फंक्शंस प्ले करना चाहते हैं वो कर सकें। बिल्कुल वैसा ही काम हमारे शरीर में हमारा लिवर करता है क्योंकि हमारे शरीर में परमात्मा ने हमारे लिवर की फंक्शनिंग ऐसी बनाई है कि जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं उसके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम हमारा लिवर करता है। अब आप सोचिए कि वो ऑर्गन जो आपके शरीर को साफ करता है, वो ऑर्गन जो आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, वही कहीं ना कहीं पर डैमेज हो जाए या उसके अंदर जो फंक्शन करने की जो कैपेबिलिटीज हैं वो ख़त्म हो जाए, सो डेफिनेटली हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स निकलने की प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर, हमारे बालों पर, हमारे शरीर पर उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा होना शुरू हो जाते हैं। So, अगर हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, अगर हम अपनी बॉडी को ब्यूटीफाई रखना चाहते हैं, अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, अपने बालों को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें लिवर को डिटॉक्सिफाई करने पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि लिवर को अगर हम डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे सो डेफिनेटली जितने भी आप प्रयास करोगे वो नाकाफी है। So, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि लिवर के फंक्शनिंग नहीं करने के पीछे रीजंस क्या क्या हैं और क्या वो तरीके हैं जिनको हम फॉलो करके लिवर की फंक्शनिंग को वापस से नॉर्मलाइज कर सकते हैं ताकि हम खूबसूरत स्किन पा सकें, अच्छे बाल पा सकें एंड साथ के साथ में अपनी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट शेप के अंदर ला सकें। सो देर किस बात की दोस्तों, चले शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों जब भी हम शरीर को देखते हैं या शरीर के अंदर होने वाले ऑर्गन्स को देखते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हर ऑर्गन अपनी एज के साथ साथ बूढ़ा हो रहा है और उसका असर हमारे शरीर के उस ऑर्गन की फंक्शनिंग पर आता है और यही नियम लागू होता है हमारे शरीर के लिवर पर भी। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है हमारे शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ने लग जाती है क्योंकि हमारे शरीर का मेटाबॉलिक रेट हो जाता है स्लो और इसका सीधा सा असर आ जाता है हमारे लिवर पर और लिवर पर आने वाला ये लोड वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी फंक्शनिंग धीरे धीरे कम होने लगती है जिसकी वजह से शरीर में बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं दूसरे रीजंस की बात करूं तो लैक ऑफ एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि उसकी वजह से ही हमारे शरीर से कुछ एक जो टॉक्सिन्स थे वो पसीना बन के निकल जाते हैं लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो वही टॉक्सिन्स जो पसीना बन के निकल रहे थे अब वो भी जाकर के लिवर के ऊपर जमा हो जाते हैं और लिवर के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। नंबर थ्री अगर मैं बात करूं तो लिवर को तो आप ठीक नहीं कर रहे या लिवर के ऊपर से आप टॉक्सिन्स का लोड कम नहीं कर रहे बल्कि आपकी डाइट के द्वारा, आपके जंक फूड के द्वारा, आपके प्रोसेस्ड फूड के द्वारा आप अपने लिवर के ऊपर लोड डाल देते हो। सो मेक श्योर कि आप इन तीनों गलतियों को करने से बचें। नंबर वन, आप एक्सरसाइज को शामिल करें। नंबर टू, आप प्रोसेस्ड और जो जंक फूड है उसे अवॉइड करें एंड नंबर थ्री, आपका जो प्रोसेसिंग लिवर का एज की वजह से कम हो गया है उसके लिए अपनी लाइफस्टाइल के साथ काम करें। एक और रीजन होता है जो हमारे लिवर को खराब करता है वो है कंजप्शन ऑफ एल्कोहल एंड ज्यादातर लोग जब लिवर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है तब जाकर के पता चलता है कि उनका लिवर जो है वो फंक्शनिंग नहीं कर रहा है और तब तक स्थिति हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुकी होती है और तब हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं।
सो ऐसी सिचुएशन के अंदर अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसा अपने रूटीन में शामिल करें जो हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करें। तो यहाँ पर मैं एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी सिरप आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो मैंने अपने फैमिली में बहुत सारे मेम्बर्स को दी है एंड दे आर फीलिंग वेरी गुड। उन्हें बहुत अच्छा फील हो रहा है, उनकी लिवर की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो रही है एंड धीरे धीरे उनको अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर रिवर्सल दिख रहा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन क्योर के इस लिव प्रो के बारे में। ग्रीन क्योर का ये जो लिव प्रो है ये बहुत सारी जो नेचुरल हर्ब्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। अगर मैं हर्ब्स की बात करूं तो इसके अंदर मिल्क थिसल है जो कि हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। हमारे लिवर के अंदर किसी भी तरह का अगर टॉक्सिन्स जाकर के डिपॉजिट हो रहे हैं और वो रिमूव नहीं हो पा रहे हैं तो ये मिल्क थिसल उसको रिमूव करने में हमारी मदद करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर डाला गया है वो है चिकोरी। जो चिकोरी है वो हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो कि बेसिकली हमारे शरीर के अंदर जो हम खाना डाल रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन को अच्छा बनाते हैं एंड टॉक्सिन्स को बहुत आसानी से हमारे शरीर से रिमूव कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। नंबर तीन जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर डाला गया है वो है अर्जुन की छाल, जो कि बहुत ज़्यादा प्रूवन है कि ये हमारे ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। और अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड फैट की एक टेंडेंसी है, मतलब खून हमारा गाढ़ा हो जाता है, उसको भी रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर चौथा इंग्रेडिएंट है यैरो हर्ब, जो कि हमारे शरीर के अंदर बाइल के सिक्रेशन को प्रमोट करता है, हमारे डाइजेशन को अच्छा बनाता है और हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसे बेहतर बनाता है। अगर मैं ग्रीन क्योर के इस लिव प्रो की बात करूं तो ये 100% नेचुरल है, बहुत ज़्यादा सेफ है, बहुत ज़्यादा कम समय के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है क्योंकि इसे बनाया गया है आपके सिरप फॉर्म के अंदर और सिरप फॉर्म के अंदर होने की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन आपको बहुत तेज़ी से आपके शरीर में होता हुआ दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं ब्रांड ग्रीन क्योर के बारे में तो ग्रीन क्योर भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला ऐसा ब्रांड है जो जर्मन साइंस को इंडियन आयुर्वेदा के साथ में इन्वॉल्व करके उसे जोड़ करके हमें प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। 100% एफिकेसी आप इसे डेफिनेटली बिलीव कर सकते हैं क्योंकि ये अप्रूव्ड है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इंडिया से। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 100% हर्बल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं जो कि बिल्कुल भी हमें साइड इफेक्ट्स नहीं देते हैं। अगर मैं डोजेस की बात करूं तो आप ग्रीन क्योर के इस लिव प्रो को 5-5 ml दिन में 2 बार लेंगे खाना खाने से लगभग आधा घंटा पहले, तो आप देखेंगे कि आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो रहा है और आपके शरीर के अंदर जो जमा टॉक्सिन्स हैं वो बहुत इजीली बाहर निकल रहे हैं। 12 साल से बड़ा कोई भी व्यक्ति इसे बहुत आसानी से अपने रूटीन में शामिल कर सकता है एंड सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम लिव प्रो की 2 बॉटल्स परचेज करते हैं तो उसके साथ में हमें 1 बॉटल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ग्रीन क्योर का ये लिव प्रो हमें अवेलेबल होता है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पर एंड इसके अलावा आप ग्रीन क्योर की वेबसाइट पर जाकर के भी इसे परचेज कर सकते हैं। सो दोस्तों मेक श्योर कि आप अगर अपने लिवर की प्रॉब्लम से परेशान हैं, अपनी स्किन को अच्छा करना चाहते हैं, अपने बालों को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना चाहते हैं, सो डेफिनेटली ग्रीन क्योर के इस लिव प्रो को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसे परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा जहां से जाकर के आप इसे ईजिली परचेस कर सकते हैं। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।